रेड सॉक्स हैं, कुछ ग्रीन सॉक्स हैं और कुछ 5 पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड सॉक्स ऑन सेकंड ट्राई, ठीक है, अगर सबसे पहला आपने ग्रीन सॉक निकाल दिया तो रेड सॉक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ट्राई किया था किसी ने? इसमें पता कैसे लगेगा अगर टाइप कर रहे हैं तो? वन बाई 11, ओके, ठीक है, देखते हैं सॉल्व करके। आपके पास टोटल नंबर ऑफ सॉक्स कितने हैं? पहली बात तो पेयर्स हैं, पेयर्स का मतलब जोड़े, तो ये कितने हो गए? 6, और ग्रीन में हो गए 8 और ब्लैक में हो गए 10। तो आपके पास टोटल कितने हो गए सॉक्स? 24, है ना? सही जोड़ा है ना? ठीक है, कोई नहीं, अगर ट्राई नहीं भी किया तो देख लेते हैं कैसे निकलता है, क्योंकि जितना कम ट्राई करोगे उतना चांस कम होता जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने का एग्ज़ाम टाइम पे। पर इम्पोर्टेंट ये चाहो अभी तो कि आप समझ जाओ। तो टोटल हमारे पास सॉक्स कितने हैं? 24। फर्स्ट ट्राई में ग्रीन सॉक निकल गया तो बचे कितने? 23। रिक्वायर्ड सॉक्स कितने? 6। रेड चाहिए हमें तो 6 बाई 23। ये आंसर आना चाहिए। फिर भी ट्राई करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, मतलब जिन्होंने सिर्फ बाद में आंसर देखा है तो वो कोई यूजलेस है ऑलमोस्ट, क्योंकि ट्राई करते हुए आपको पता है ना क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरह से आगे बढ़ोगे आप क्वेश्चन पे। ऐसे तो मूवी देखते रहो कोई फायदा है नहीं। तो जिसने भी ट्राई किया बढ़िया बात है। तो हमारे पास 24 सॉक्स थे, मैंने एक सॉक निकाल दिया, ग्रीन हो ब्लैक हो रेड हो कुछ भी हो सकता है। तो अगर रेड होता तो मेरे पास रेड कितने बचते? 5, है ना? पर मैंने जो बाहर निकाला वो ग्रीन था, तो बहुत ही सिंपल सा है कि 6 रेड सॉक्स बचे थे, 23 टोटल सॉक्स थे, तो आंसर आ गया 6 बाई 23। ओके, तो ये हमारा कल का क्वेश्चन था। अब कल जो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, मतलब बाइनोमियल थ्योरम वाला फॉर्मूला, याद है कैसे निकाला था? ये जो बाइनोमियल थ्योरम थी, इसकी हेल्प से क्या होता है, अभी प्रूव करता हूँ कुछ चीज़ अजीब सी, मतलब सारी दुनिया मैथमेटिकली क्यों काम करती है, कि नेचर में एक्चुअल में मैथमेटिक्स चलती है। फॉर एग्जांपल आपके पास कितने डाइस हैं? एक डाइस है, एक डाइस पे कितने नंबर्स होते हैं? 6 नंबर्स, ठीक है। और ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि 2 डाइस हैं, उसके पास तो 6 6 नंबर दोनों डाइसेस पे होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है कि मेरे को सम देखना है। आप कुछ गेम्स खेलते हो, मोनोपोली खेला है किसने? बिजनेस मोनोपोली टाइप, उसमें 2 डाइस एक साथ फेंकते हैं, दोनों का सम कर देते हैं। कोई भी ऐसा गेम जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा डाइसेस यूज करे हो, रिस्क, ठीक है, के रिस्क तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मोनोपोली बहुत ही सिंपल है, जिसको हम इंडिया में क्या बोलते हैं, बिजनेस एक गेम होता है, ठीक है। तो वो उस गेम में क्या होता है कि हम 2 डाइस एक साथ फेंकते हैं और जो उनका समीशन होता है, एडिशन दोनों के नंबर्स का, उसको हम अपना मूव समझते हैं। तो 2 से कितना हो गया? 12। 2 से 12 तक कुछ भी आ सकता है। अब सवाल ये है कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 12 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? जब 2 डाइसेज एक साथ फेंके जाते हैं तो 6 नंबर इस डाइस पे होते हैं और 6 नंबर दूसरे डाइस पे होते हैं, तो टोटल आपके पास कितने तरीके आ सकते हैं? 36, है ना? टोटल तरीके कितने होते हैं? 36। 11 12 13 14 15 16, 21 22 23 24 25 26, ऐसे करके 36 तरीके बन गए, 6 × 6। तो ऐसे अगर 3 डाइस होते तो कितने तरीके बनते?
सिक्स का क्यूब, उसमें कितने तरीके बनते हैं, सिक्स का क्यूब, और अगर मैं ऐड करता तो उसमें कितने नंबर्स आ सकते थे, 3 से लेके 18 तक, मिनिमम कितना हो सकता है 111, मैक्सिमम 666, तो 3 से 18 तक, क्योंकि हमें यहाँ पर टाइप करने में दिक्कत आएगी इसलिए हम सिर्फ 2 डाइस लेते हैं। तो 2 आने के तरीके कितने हैं, ये सिर्फ एक तरीका कि दोनों के दोनों 1, 1 आ जाए, ये हमारा 2 बनेगा। 3 आने के तरीके कितने हैं, 2, 1, 2 और 2, 1, ये आपके 3 आने के तरीके हैं। 4 आने के तरीके कितने हुए, 1, 3 और 3, 1 और 2, 2, और कोई तरीका है 4 आने का, मेरे ख्याल से तो नहीं है बचा। तो ये हो गया 0, तो होता नहीं। 4 आने के कितने तरीके हो गए, 3, ऐसे ये बढ़ते जाएंगे। और 18 आने का कितने तरीका है, 18 आने के लिए, ओके 18 नहीं, 2 डाइस है ना, तो 12 आने का कितने तरीके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक, 6, 6। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जब जो एंड पॉइंट्स होते हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। इस 12 आने के तरीके कितने, 1, और 2 आने के तरीके कितने, 1, 3 आने के तरीके कितने, 2, और ऐसी सिमेट्री दिखाता हूँ, 11 आने के तरीके कितने, 2, ठीक है, 6, 5, 11 और किसी तरीके से नहीं आ सकता ना, तो 11 आने के तरीके कितने हो गए, 2। अब आप बीच में जाते जाओगे, 5 के बढ़ते जाएंगे, 5 आने के तरीके 4 या 5 होंगे, 6 आने के फिर और ज्यादा होंगे, 7 आने के मैक्सिमम होंगे, फिर 8 आने पर गिरता जाएगा, 8, 9, 10, ये वापस गिरना शुरू हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये पार्ट एक तरीका, 2 तरीके 3 तरीके 4 5 जो भी होगा, सॉल्व करने पर पता लग जाएगा, देखने पर परम्यूटेशंस कितनी होंगी, फिर वो वापस गिरने लगता है। इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो होपफुली ये सिमिलर ग्राफ हो, मतलब इसी तरह का ग्राफ होएगा। फोटो खींच रही है, इसमें कोई बढ़िया फोटो नहीं है, ओके देखो। अब इसे डाइस समझ लो, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। बाइनोमियल में क्या होता है कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो कंटिन्यूस नहीं होती, उसको हमें इग्नोर करना है, अभी वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है कि कंटिन्यूस होती है या नहीं, स्टैटिस्टिक्स थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी उसके लिए। हमने पहली क्लास में ये डिस्कस भी किया था थोड़ा सा कि कंटिन्यूस और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या होता है, इसको आप मान लो कि 2 आ रहा है यहाँ पर, तो 2 आने का 1 तरीका, 3 आने के 2 तरीके, 4 आने के 3 तरीके, 5 आने के ज़्यादा, ऐसी 7 पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर वापस ये तरीके गिरने लगेंगे। तो है क्या मतलब कि जो बीच में चीज़ें होती हैं ना, जो मीन के आसपास होती हैं, एवरेज के आसपास, उनके आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, और जो कि मुश्किल चीज़ें होती हैं जो कि कॉर्नर्स पे होंगी, उनके आने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। इसको और थोड़ा वियर्ड वे में समझाऊं तो, आपने सर्वे किया, सर्वे में क्या किया, आपने सारे मेरठ की भैंसों का सर्वे किया फॉर एग्जांपल, कि उनका वेट कितना है, तो जो 200 किलो वाली भैंस होगी ऑब्वियसली वो बीमार है, वो 1 या 2 होंगी, 600 किलो वाली भैंसें सबसे ज़्यादा होंगी, और वापस 1500 से ज़्यादा किलो वाली भैंसें कम होंगी। तो क्या प्रोबेबिलिटी या 600 किलो वाली भैंस मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और कम वेट वाली भैंस मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो ये क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मली दुनिया, नॉर्मल इसीलिए बोलते हैं इसे कि नॉर्मली दुनिया इसी तरह से चलती है। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल आपका डाइस हो गया, 2 डाइस पे की तो उनका सम कितने आएगा, ये मैंने रियल वर्ल्ड में, आप किसी भी जानवर का किसी भी तरह का सर्वे लोगे, नॉर्मली क्या होगा, जो एवरेज होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, और जो बिल्कुल पीक पर होंगे वो कम होंगे। कि नंबर अगर आप
कैपिटा की बात करते हो कि लोग कितना पैसा कमाते हैं, तो जो दिन के 10 रुपए कमा रहे हैं वो लोग भी कम होंगे, और जो दिन के 1 करोड़ कमा रहे हैं वो लोग भी कम होंगे, जो दिन के 500 से 1000 के बीच में कमा रहे हैं वो लोग ज्यादा होंगे। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाता है क्योंकि रियल वर्ल्ड में डेटा चेंज होता रहता है, पर हमारे केस में क्या, मैथमेटिकली आइडियली दो डाइस फेंकने पर ये बिल्कुल डेब बाइनोमियल थ्योरम इस डेटा के अकॉर्डिंग ही प्लेस होगी। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब डिस्क्रीट डेटा दिया हो या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी और 11 आने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी, यस 3 आने के भी 2 तरीके हैं और 11 आने के भी 2 तरीके हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/36, और 11 आने की प्रोबेबिलिटी 2/36। सिंपल सी बात है, ठीक है, आपको समझ आया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थोड़ा सा, मतलब किस तरह से नॉर्मली दुनिया में इस तरह से एक्चुअल में मैथमेटिक्स रियल वर्ल्ड में उल्टी सीधी घूम रही है, और ये बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से और आसान समझ आता है। क्यों बाइनोमियल थ्योरम का नाम दिया गया, देखो सिलेक्शन कितना, 5 में से 0 सेलेक्ट करेंगे एक तरीका, 5 में से 1 सेलेक्ट करेंगे तो 5 तरीके, 5 में से 2 सेलेक्ट करेंगे तो कितना हो गया, 5 और 20 तरीके, फिर वापस बढ़ेगा 5 3 5 C 3 बीच में बढ़ेगा, फिर वापस लास्ट में 5 C 5 का आंसर कितना है, 1 तरीका। तो ये ऐसी शुरुआत में कम, मेरे माउस का एरो अगर दिख रहा है तो कम, फिर वापस गिरने लगता है। ठीक है, अब ये वाला जो एग्जांपल है, कल मैंने टाइम नहीं था इसलिए पढ़ाया नहीं, खुल जा सिम सिम इस तरह का एक गेम शो आता था, मतलब US में स्टार्ट किया था तो हमने कॉपी कर लिया था। इसके अंदर गेट 1 होता है, ऐसे गेट 2 होता है और गेट 3 होता है, और जो भी बंदा खेल रहा होता है उससे पूछा जाता है कि आप कौन सा, फॉर एग्जांपल गेट 1 और 3 में कुछ नहीं है, मेरे को नहीं पता, 2 गेट्स में कुछ नहीं है और 1 गेट में कार है, तो बंदे को बोला जाता था कि प्लीज सेलेक्ट 1 गेट जिसमें आपको लगता है कि कार होगी। तो हम भी गेम शो के हिसाब से चलते हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया रैंडमली 2, तो मेरे सेलेक्टेड गेट पर पीछे कार है या नहीं है, कार है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3। इतना तो सिंपल है, सबको समझ आ रहा होगा कि मैंने 1 गेट सेलेक्ट किया था, 1 गेट के पीछे कार है और टोटल मेरे पास 3 गेट्स हैं, तो मेरे इस गेट के पीछे ही कार होगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। समझ आया। उसके बाद वो क्या करता था, वो 1 गेट जिसके पीछे कार नहीं है, फॉर एग्जाम्पल नहीं अभी नहीं बताऊंगा ताकि आप थोड़ा सरप्राइज हो बाद में, कि 1 गेट ऐसा खोल के दिखा देता था जिसके पीछे कार नहीं है, तो लेट्स रिमूव गेट 1, इसके पीछे कुछ भी खड़ा होता था, जैसे गधा खड़ा करके दिखा देते थे इफेक्ट के लिए, गेट 1 के पीछे क्या आया, गधा देख क्या, तो आपको ये पता है कि गेट 2 या गेट 3 के बीच पीछे कार है। आप जाता है कि आप गेट बदलना चाहते हो या नहीं, कितने लोग गेट बदलेंगे। ठीक है, चैट कहाँ से खुल रहा है, कोई भी रैंड, इतना सिंपल सी बात है, आप लोगों सभी से पूछा गया है कि कितने लोग गेट को बदलेंगे। फॉर एग्जांपल गेट 2 आपने सेलेक्ट किया हुआ था, गेट 2 और 3 बचे हुए हैं, 1 के पीछे कार है, गेट 1 के पीछे कुछ नहीं था, मैंने दिखा दिया, तो कौन कौन अपना गेट 2 से गेट 3 आंसर चेंज करना चाहेगा, रैंडम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कुछ तो तुक्का मारो, चैट टाइप करो, क्या इंटरेक्टिव, जितना इंटरेक्ट करोगे उतना सही रहेगा, आप आंसर के क्लोज पहुंचोगे। तो
किसी ने भी गेट चेंज नहीं किया, ठीक है, सभी लोग गेट टू के पीछे हैं, किसी ने भी गेट चेंज नहीं किया तो ठीक है। तो आपने जब गेट टू सेलेक्ट किया था उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी कार आने की, जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी आपकी, 1/3। और जब आपने गेट थ्री सेलेक्ट किया, अभी आपने गेट चेंज कर देते हो, तो गेट थ्री के पीछे कार होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन है, गेट टू या गेट थ्री। जब आपने गेट टू सेलेक्ट किया था उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/3। और अब आप गेट थ्री चेंज करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की कितनी होगी, 1/2। इसका ये मतलब नहीं है आप हमेशा मतलब जीतने के चांस बढ़ गए, पर हाँ एक तरह से जीतने के चांस बढ़ गए, क्योंकि जब आपने पिछला वाला रिस्क लिया था तब आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे, अब आप जब रिस्क ले रहे हो तो ऑप्शन कम हो कर दिए उसने, समझ आया? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, समझ आया? गेट थ्री की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि मतलब सालों से चलता आ रहा है। ऐसे ही अगर 5 गेट होते, और आप एक सेलेक्ट करते तो क्या प्रोबेबिलिटी होती जीतने की, 1/5। और मैं एक एक करके 3 गेट डिलीट कर देता और फिर बोलता अब आपको आंसर चेंज करना है, तो हमेशा आंसर चेंज करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कितनी बन जाएगी, 1/2। बहुत ही वियर्ड सी बात है पर ऐसा है मैथमेटिकली, ठीक है, समझ आया? ये कल हमने क्वेश्चन ट्राई कर ही लिया था। अब एक और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर जाते हैं, कोरोना टेस्ट, ठीक है, ये आजकल तगड़ा चल रहा है। कोरोना टेस्ट कोई भी एक डिजीज ले लो, उसका टेस्ट में एक प्रॉब्लम होती है, जितनी भी आपके टेस्ट होते हैं डिजीज के लिए वो 100% करेक्ट नहीं होते, उसके अंदर होते हैं फॉल्स पॉजिटिव। इसका मतलब ये आपको बीमारी नहीं थी फिर भी पॉजिटिव आ गया। और दूसरी चीज होती है ट्रू नेगेटिव, आपको बीमारी थी फिर भी गलत आ गया। तो हमने बहुत ही बढ़िया तरीका बनाया, मान लो आपने बहुत मेहनत करी, 99.99% टाइम आपका टेस्ट काम करता है। इसका ये मतलब है कि आपने 1,000 लोगों पर टेस्ट किया, 10,000 पर टेस्ट किया, तो उनमें से 1,000, ओके ये सही है, तो मतलब 10,000 में से आउट ऑफ 10,000 कितना हो गया, 10,000 में से एक बंदा तो गलत आएगा ही, है ना? अगर 10, इतना बढ़िया 99.99% चांस है सही रिजल्ट का, जो कि इतना बढ़िया है, फिर भी 10,000 में से एक बंदा गलत रिजल्ट दे रहा है। और इंडिया में कितने कोरोना के टेस्ट हो गए हैं, मेरे को नंबर याद नहीं है, फिर भी अराउंड 25 लाख, ठीक है, 2.5 मिलियन टेस्ट हो चुके हैं हमारे यहाँ, तो इसमें से कितने लोगों का गलत टेस्ट गलत रिजल्ट आया होगा, 250 या फिर 2,500, ठीक है, 2,500, 4 0 8 आने, 250, ठीक, छोड़ो बेकार ही गणित पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है, 250 लोगों को गलत टेस्ट आ गया, रिजल्ट आया। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि आप लोग देख सकते हो कि 250 लोगों का हमने गलत रिजल्ट निकाल लिया है, अब वो 250 लोग बेकार में इलाज करा रहे हैं, या फिर 250 लोग ऐसे थे जो कि सच में कोरोना पीड़ित थे, उनको नेगेटिव शो दिखा दिया और वो कोरोना फैला रहे हैं, ठीक है, दोनों में से कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो इसको ठीक करने का क्या तरीका होता है, जैसे हमने क्या किया यहाँ पर,
गेट वन गेट टू गेट थ्री वाले में क्या हुआ था, दो बार प्रोबेबिलिटी काम कर रही थी, ऐसे ही हम क्या करेंगे, रीटेस्ट कराएंगे। अब रीटेस्ट कराने पर क्या होता है कि आपकी 0.01% प्रोबेबिलिटी थी गलत रिजल्ट आने की, 0.01% प्रोबेबिलिटी थी गलत रिजल्ट आने की। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग रिजल्ट कितना है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग रिजल्ट हमारा इतना है, ठीक है। ओके सॉरी कॉल आ गया था। अब सवाल ये है कि एक बंदा अगर दो बार टेस्ट कराए तो दो बार दोनों बार रॉन्ग रिजल्ट आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? एक बार एक की प्रोबेबिलिटी थी हमारी 0.001, फिर से क्या करेंगे, कुछ नहीं, 0.001 को फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोबारा, दो बार गलत रिजल्ट आने के लिए क्या है, एक बार गलत रिजल्ट आए और फिर से एक और बार गलत रिजल्ट आए, ये कितना हो गया 0.1, जो कि कैलकुलेटर पे लिखा होता है उसके बाद ई टू द पावर -8, 7 यहाँ पर, मतलब पीछे बीच में 7 0 हो जाते हैं फिर आंसर आता है। तो समझ आया कि आपके पास अगर फिर भी एक, इसका एग्जांपल भी देता हूँ कि अगर आपके पास एक चीज़ है जो कि थोड़ा सा रंग गलत रिजल्ट दे रही है तो आप क्या करोगे, उसका रीटेस्ट करोगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दो बार लगातार गलत होने की प्रोबेबिलिटी तो मुश्किल है ना, क्या आपने ठीक है एक बार गलती कर दी, दो बार लगातार सेम गलती करोगे जबकि वो काम आप 99.99% टाइम ठीक करते हो, अपना नाम दो बार गलत कोई लिख सकता है, इस तरह से कुछ बात है। तो ये बेजियन बेज थ्योरम में ये जो बंदा था बेज, उसने ये बात को ढूंढा था और उसे इम्प्लीमेंट कर दिया उसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ, तो उसे बेज थ्योरम बोल दिया। पर हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट इतना ही है कि एक बार गलती करी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग रिजल्ट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग रिजल्ट, तो दो बार लगातार इतनी प्रोबेबिलिटी है, जिसका मतलब कितना हो गया, 1 करोड़ लोगों में एक गलत रिजल्ट आना, इसका चांस बहुत ही कम है। ठीक है समझ आया, ये जो क्वेश्चन है ये एक बार फिर से देख लेना, ये कुल्ला सिमसिम वाला, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है बार बार, हर तीसरी चौथी जगह ये पूछ लिया जाएगा और इस पे डिबेट भी बहुत होती है साइकोलॉजिकली, मतलब जितने भी डॉक्टर हैं कुछ लोग कहते हैं कि पहले मैंने सेलेक्ट कर तो रखा था, जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो हर तरह की डिबेट हो चुकी है। तो आंसर क्या है कि हमेशा आपको गेट बदल देना चाहिए क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो चुकी थी तब। ठीक है, और बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारा फिनिश हो गया है यहाँ पर, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा एलजेब्रा, ठीक है, एलजेब्रा और फंक्शंस, क्योंकि फंक्शंस को तोड़ मरोड़ के वो बहुत सारे क्वेश्चन डालते हैं अजीब अजीब से, जो कि एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता क्योंकि आपको पता ही नहीं है फंक्शन किस तरह, मैं आपको नहीं मतलब किसी को नहीं पता होता फंक्शन किस तरह बिहेव करेंगे, नए नए फंक्शन बना के डालेंगे तो। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में अभी तक कोई डाउट है? कल टेस्ट के लिए टेस्ट या फिर कुछ भी 4-5 क्वेश्चन का असाइनमेंट दे देंगे, वो सभी लोग ट्राई कर लेना। और प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्या है, रिक्वायर्ड आउटकम्स, सब हर जगह हमने यही किया है, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स,
इंस्टेड ऑफ कि आपको लंबे लंबे फॉर्मूले बताऊं, उससे बढ़िया हमने हमें गिनती आती है, हम टोटल आउटकम गिनेंगे और रिक्वायर्ड आउटकम गिनेंगे और एफिशिएंटली। अब हम थोड़ा सा अच्छा अच्छे तरीके से गिन सकते हैं क्योंकि हमें सिलेक्शन आपको पता है, हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पता है। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, कल कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।